अब तक तो मात्सुजाका को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उसे एक घंटा पहले कॉल तो किया था, आ ही रही होगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। अरे हाँ, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को भी तो इनवाइट किया है ना, वो भी बस अब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे देखने का मन ना करे, वो अच्छे एक्टर हैं। सही कहा तुमने, बस कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं। तुम्हें नहीं लगता मात्सुजाका को ज्यादा देर हो गई है? मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। हेलो, कैसी हो तुम लोग? हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ये तो मुझे यही मिल गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपने फैंस के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। आइए नाम बैठिए, हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं मात्सु छोटी बहन हूँ। इनसे बड़ी बहन हूँ मैं, सबसे बड़ी बहन हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये खास तरह का जूस है जो आपको पसंद आएगा, इसे पीकर देखिए तभी आपको इसकी खासियत पता चलेगी। हाँ, जूस इतनी जल्दीबाजी में नहीं पीना चाहिए, गले में अटक जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओह शिनचैन, मैं तो डरी गया था। शिनचैन, तुम इस वक्त हमारी टेबल पर क्या कर रही हो? लेकिन तुम्हें तो हमने इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तुम आए कैसे? क्या तुम अकेले आए हो? इसका सही जवाब होगा। अरे मात्सुजाका मैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिसेस नोहारा, आप यहाँ? मात्सुजाका मैडम, कैसी हैं आप? मैं यहाँ हूँ, देखिए आप आइए, यहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। आप आराम से बात कीजिए, हम खाना खा रहे हैं। दरअसल एक कॉन्टेस्ट में हमें यहाँ का फ्री वाउचर मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ खाने पे आए हैं। देखो, तुम्हें इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ। अरे आपको मैंने पहले कहीं देखा है? हाँ, आप वही है ना जो स्टेशन के सामने पैम्फलेट्स बांटते हैं? वो पहले करता था, आजकल उसे छापता हूँ मैं। ये तुम्हारे गेस्ट है ना, उसमें लिखा होता है 1000 रुपए घंटे में आपके घर का हर काम ये कर सकते हैं। सही कहा। तो ये बात है। अरे हाँ, और आप वही है ना जो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में सामान देते हैं, है ना? मैं वही हूँ। देखिए इस बार हमें साबुन जरा ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना। जितना मुझे याद है, तुमने तो इनके बारे में मुझे कुछ और ही बताया था ना। बोलो तो मैं साबुन देने कब आऊँ? मिसेस नोहारा जो कह रही हैं ये बात सच है क्या, बताइए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं तो कहूँगा कि काम तो काम होता है, बस काम को दिल से करना चाहिए, है ना भाई? इसका मतलब शिनचैन के पापा से। अच्छा मैं चाहती हूँ, फिर मिलेंगे। दरअसल मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दरअसल मुझे भी जरूरी काम याद आ गया, हो सका तो मिलूंगा। हाँ नहीं, जोर से मत बोलो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सारे मैनर्स एटिकेट भूल गई क्या? बच्चों की तरह बिहेव मत करो। जब हम घर पे होते हैं तब तुम भी तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती हो ना, सही कहा ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। ये मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा है। अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है। सॉरी, पहले आप। क्या ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। अच्छी अच्छी बातें, किस तरह की बातें? अगर मैं आपको सब बातें बता दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आप पढ़िए। मैं उस किताब में मैनेजर एटिकेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। अच्छा तो आप हमारे गेस्ट है ना, तो बताइए आपको खाने में क्या पसंद है ताकि हम ऑर्डर करें। क्या कर रही हो तुम हटो। अच्छा तो आप जूस पीना पसंद करेंगे या फिर कॉफी पियेंगे, और उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे? इस तरह से तुम गेस्ट को परेशान कर रही हो। देखो मैं उनसे डिनर के लिए पूछ रही हूँ। देखो अगर मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेहमान की खातिरदारी कैसे की जाती है, इसीलिए तुम थोड़ी देर
तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको बस बता रही हूँ कि गैस की खातिरदारी मैं करूँगी। गैस की खातिरदारी तुम्हें जरूरत नहीं, तुमने आता भी है कैसे? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि खातिरदारी किस तरह से की जाती है। अरे आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए। तुम लोग ऐसे शांत नहीं होने वाले, मुझे ही कुछ करना होगा। सच में? अच्छा तो आप सिखाएंगे गैस की खातिरदारी? जो लोग लड़ाई करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। पर यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही। मैं सचमुच में एक ड्रैकुला हूँ। सचमुच का ड्रैकुला? सचमुच का ड्रैकुला? क्या सच में? ये तो वही है जो पूरा चांद निकलने पर जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों के बीच में बोलते हैं। छोड़ो मुझे, लहसुन की बदबू नहीं। आज हेडिश की खास बात ये थी कि उसमें लहसुन डाला हुआ था, यहाँ तक कि हिमावरी का दूध भी लहसुन के फ्लेवर का था। मैं चाहती थी कि तुम अपनी असलियत खुद बताओ। मुझे लगता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। ये तो बिल्कुल सही समझा तुमने, क्योंकि हम लोग एक महान परिवार के लोग हैं। हर डिश में लहसुन डालने का आइडिया हम दोनों का था। हैरी, लहसुन की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। मिस्टर नोहारा, आप ये क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पेड़ का नुकीला तना ड्रैकुला के ऊपर डालो जब वो सो रहा हो। ये मुझे करना पड़ेगा। मुक्सी, कोई डरने की बात नहीं है। हरी जरा ध्यान से। अरे ऐसे लोगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। आज मेरे पास है दो दो पेंसिल्स। रुक जाइए। मात्सुज़ाका मैम अब क्या करना चाहती हैं? मात्सुज़ाका मैम आप जरा दूर हट जाइए प्लीज। ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए। सामने से हटो। आप मेरी बात मानेंगे ना? देखिए, मेरे ख्याल से आपको खुद को बदल लेना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाइए। मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। आप मेरी बात मानेंगे ना? प्लीज आप ऐसा ही कीजिए। हाँ, मुझे पता था मैं किसी को भी बदल सकती हूँ। मैं एक अच्छी टीचर हूँ। हट जाओ। मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है और मैं इन्हें जैसा करने को कहूंगी ये वैसा ही करेंगे। हट जाओ। ये तुम लोगों की नहीं मेरी बात मानेंगे। मुझे लगता है आपको ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर अच्छे इंसान बन जाना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे भी हम सभी तो आपके फैन हैं ना। लेकिन मैं तो हम सभी को नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? तुम चुप हो जाओ। वो मेरी बात मानेंगे। मेरे मेहमान करेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल चलो। मेरे ख्याल से अब हमें घर ही जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि चुप हो जाओ तुम लोग। अगर बुरा ना मानो तो जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। एक ही मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, आप मत जाइए। मेरी बात तो छोड़ो। मुझे छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे। रुक जाइए, कम से कम ऑटोग्राफ तो देकर जाइए। रुक जाइए ना प्लीज। अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। हाँ वैसे ये पार्टी भी बुरी नहीं है।